इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जियो एसोसिएट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे मोबाइल रिचार्ज करने पर आप बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे एमपिन सेट कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि जियो पोस्ट लाइट में किसी भी ट्रांजेक्शन की पुष्टि यानी कि वैलिडेट करने के लिए 4 अंकों का एमपिन होना अनिवार्य है। आप अपने जियो कनेक्शन का इस्तेमाल करके जियो पोस्ट लाइट में जुड़ सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जानते हैं। गूगल प्ले स्टोर से जियो पोस्ट लाइट ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। ऐप के इंस्टॉल होते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर जियो पोस्ट लाइट ऐप का आइकन दिखेगा। अब ऐप को ओपन करने के लिए ऐप आइकन पर टाइप करें और अब अलाउ ऑल पर टाइप करें। उसके बाद फिर से अलाउ पर टाइप करें। इससे आपके कॉन्टेक्ट लोकेशंस कॉल एंड व्यू को एक्सेस करने की अनुमति मिलेगी। आगे बढ़ते हुए साइन इन पर टाइप करें। अब यहां पर अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें और फिर उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर जनरेट ओटीपी पर टाइप करें, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अब उस ओटीपी को दर्ज करें। ओटीपी को दर्ज करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर टाइप करें। अब आपने सफलतापूर्वक साइन अप प्रक्रिया पूरी कर ली है, बस अब डन पर टाइप कर देना है। चलिए अब आपको एम पिन सेट करना सिखाते हैं। 3 लाइन पर टाइप करें। यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। फॉरवर्ड ओटीपी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा सेटअप एम पिन। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे आपके सामने एक अलग इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे नीचे जनरेट ओटीपी पर टाइप करेंगे। ओटीपी पर टाइप करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है और जैसे ही वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे वैलिडेट ओटीपी पर टाइप कर दें। जैसे ही वैलिडेट ओटीपी पर आप टाइप करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले में इंटर एम पिन, यहाँ पे आपको कोई ऐसा पिन डालना है 1 2 3 4 जैसे, और सेम वही नीचे कन्फर्म एम पिन में आपको डालना है। तो दोनों को डालने के बाद आप जो है सेटअप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां सेटअप पर क्लिक करेंगे आपका एम पिन बन के तैयार हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो एम पिन आप डालेंगे वो सेम होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे की प्रक्रिया जानते हैं। अब यहां पे लोड मनी में हम देखेंगे कि 1000 रुपये आप कम से कम ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने का प्रोसीजर क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो फाइनली लोड मनी पर हमको टाइप करना होगा और उसके बाद वहाँ से लोड करना होगा। उसके लिए पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, मोबीक्विक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जियो मनी से आप यहाँ पे अपना लोड मनी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे 1000, 2000, 2500 का ऑप्शन दिखाई देगा। इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1000 रुपये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 1141.66 रुपये ऑप्शन दिखाई देगा। ऐसे ही आप दूसरे में अलग अलग तीनों में है और तीनों में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो लोड मनी करने पर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं इससे आपके रिचार्ज कमीशन से कोई मतलब नहीं है। रिचार्ज कमीशन अलग से होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप
फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं जियो पोस्ट लाइट में। तो फाइनली आपको हम पेटीएम से करना सिखाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पेटीएम पे टाइप करेंगे, हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे ही हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा, आपको यहाँ पे का ऑप्शन दिखेगा। एक बात यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने पेटीएम को लिंक करना होगा, तभी आपको ये पे का ऑप्शन दिखेगा। तो आप अपने पेटीएम को लिंक पहले कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करें। जैसे ही आप पे पर टाइप करेंगे, आपके सामने आपके पिन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना पिन डालकर और पे कर दें, आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे और जियो पोस्ट लाइट में वो पैसे ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 1041.66 रुपये ऐड हो गए। आपने सफलतापूर्वक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब यहाँ पे बेसिक तीन चीज़ें बता देते हैं आपको। रिचार्ज जो आप करेंगे, वो रिचार्ज का हिस्ट्री आपको रिचार्ज में दिखाई देगा। माई अर्निंग जो है, आप जितने रिचार्ज करेंगे उस पर आपको जो अर्निंग होगी वो माई अर्निंग में दिखाई देगी। पासबुक में आपको लास्ट 30 दिन का जो भी रिजल्ट होगा वो दिखाई देगा। आपने किसका रिचार्ज किया, किसका फेल हुआ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।